हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेरिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों 6 ऐसे कामों की जिन्हें डायबिटीज़ के मरीजों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि डायबिटीज़ के मरीज अगर इन 6 कामों को करने से बचेंगे तो उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि भारत में डायबिटीज़ के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं और आज युवाओं में भी डायबिटीज़ की समस्या एक आम समस्या बन गई है। दोस्तों, ऐसे में डायबिटीज़ के मरीजों को अपने खान पान का, अपने लाइफ स्टाइल का विशेष ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। और अगर समय रहते इस लाइफ स्टाइल पर या खान पान पर ठीक तरीके से ध्यान ना दिया जाए तो इससे हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकती है, अनकंट्रोल्ड हो सकती है। दोस्तों, अगर हमारी ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड होती है तो इसका सीधा असर हमारे शरीर के अन्य अंगों पर पड़ता है, जैसे कि हमारी आँखों पर, लीवर पर, पैरों पर या फिर किडनी पर। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 6 आदतें हैं जिन्हें हम अगर नियंत्रित करें तो हमारा ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। तो समझिए दोस्तों कि सबसे पहली बात को आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना है। मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ के मरीजों को ज़्यादा देर तक भूखे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा समय तक भूखे रहेंगे तो ब्लड शुगर लेवल कम या ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है, तो ध्यान दें। फिर दूसरी बात है कि ज़्यादा तनाव नहीं लेना। दोस्तों, आजकल के समय में ज़्यादातर लोग तनाव की समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों को ज़्यादा तनाव लेने से बचना चाहिए, नहीं तो ये कहीं ना कहीं सेहत पर भारी पड़ेगा और आपकी ब्लड शुगर लेवल को लगातार बढ़ाता रहेगा। तो किसी भी स्थिति में ज़्यादा तनाव ना लें, खुश रहें और कोई ना कोई मनोरंजन का साधन जरूर चुनें। फिर अगली बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि भरपूर नींद लेनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भरपूर नींद नहीं ले रहे हैं, पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं डायबिटीज़ में, तो इससे भी आपके ब्लड शुगर बढ़ने की संभावना कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो किसी भी स्थिति में आप रोज़ाना की 8 घंटे की नींद जरूर सुनिश्चित करें। और अगर आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है तो आप कम से कम 10 घंटे की नींद जरूर लें, ये बहुत ज़रूरी है। फिर अगली बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाएं तो उसमें फाइबर की मात्रा का ध्यान रखें, फाइबर की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लें। आप समझिए दोस्तों कि डायबिटीज़ के मरीजों को अपनी डाइट में फाइबर रखना बेहद ज़रूरी है, यानी खाने में सलाद को जरूर से ज़रूर शामिल कीजिए और ये पाचन में अहम भूमिका निभाता है और साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। फिर अगली बात जिसका ध्यान रखना है आपको कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीजों को सही खान पान के अलावा अपने वजन और हार्ट को हेल्दी रखने की भी ज़रूरत होती है, इसलिए नियमित रूप से रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो हमेशा हल्की एक्सरसाइज कीजिए, भारी एक्सरसाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, देर तक एक्सरसाइज नहीं करनी है। रोज़ाना 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज आपके लिए सफिशियंट है, काफ़ी है। फिर अगली आदत की बात करें दोस्तों कि रेगुलर डाइट में फलों को ज़रूर शामिल कीजिए। यानी सामान्य तौर पर जैसे हम फल खाते हैं कभी कभार, वैसे नहीं, आप कोशिश कीजिए कि 1 से 2 फल आप रोज़ाना खाएं। इसमें आप सभी मौसमी फल खा सकते हैं, आप खास तौर पे अमरूद खाइए, ये बहुत फ़ायदेमंद है। संतरा खाया जा सकता है 1 मीडियम साइज का, कीवी 1 रोज़ खाइए, सेब खा सकते हैं आप, 1 सेब रोज़ खाइए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा, नाशपाती खाइए, पपीता खाइए। दोस्तों, ये सभी फल आपको प्रचुर मात्रा में पोषण भी प्रदान करेंगे, फाइबर भी प्रदान करेंगे और कहीं ना कहीं आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखने में मदद करेंगे, तो ध्यान दीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।